दोस्तों आज हम एक ऐसी सेंसिटिव डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लोग बोलने में या बताने में हिचकिचाते हैं। बहुत सारे साई लोग होते हैं, शर्मीले लोग होते हैं जो प्राइमरी स्टेज में या पहले पहले में बताते नहीं हैं। जब कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है, जब सिम्टम्स ज़्यादा हो जाता है, तब जाके वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। दोस्तों आज की बीमारी का नाम है गोनोरियल डिजीज, गोनोरियल इन्फेक्शन। दोस्तों ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसको हम पढ़ेंगे आज। इसके सिम्टम्स क्या है, होती कैसे है, कैसे फैलते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, अगर हमारा वीडियो के अंदर का कंटेंट आपको पसंद आता है तो कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज की जो बीमारी है वो है गोनोरियल इन्फेक्शन। दोस्तों ये STD है या STI की कैटेगरी में रखते हैं। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसको हम शॉर्ट टर्म में STD या फिर STI के नाम से भी जान सकते। दोस्तों ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से फैलती है। अब दोस्तों ये फैलती कैसे है। दोस्तों अगर आप अनप्रोटेक्टेड वेजनल ओरल और अनल सेक्स करते हैं उस वजह से ये फैलती है। दूसरी कंडीशन है अगर ये लेबर प्रेगनेंसी या फिर मदर टू चिल्ड्रन में फैल जाती है। अब दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको गोनोरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो दोस्तों नॉर्मली ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, दोनों में इसका इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें अगर मेल में हम देखने जाएं तो आपको सबसे फर्स्ट जो है वो है यूरेथ्राइटिस। आपको यूरेथ्राइटिस हो सकता है, यूरेथ्रा के आसपास में बर्निंग हो सकती है, पेन हो सकता है, सोरनेस हो सकती है या फिर वहाँ का डिसकलरेशन हो सकता है या फिर आपके अल्सरेशन हो सकता है, चाले टाइप जो है वो हो सकता है। आपके यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, वो डिस्चार्ज आपको येलोइश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, वाइटिश हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा लिक्विड टाइप में भी हो सकता है। आपको अर्जिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, आपको थोड़े थोड़े टाइम में यूरिन करने की जो आदत है वो लग जाती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि हर 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको यूरिन आ रहा है। जब आप यूरिन करने जाएंगे तब आपको पेन होगा, डिसयूरिया के कंप्लेन आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको एपिडिडेमाइटिस जो है वो देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ टेस्टिकुलर पेन आपको देखने को मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि आपको टेस्टिकल रीजन में स्वेलिंग भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये तो थे इसके मेल सिम्टम्स। अब दोस्तों इसके फीमेल सिम्टम्स, फीमेल सिम्टम्स में आपको वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज आपके वाइटिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ये आपके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या फिर अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन देखने को मिल सकता है। डिसपेरिनिया देखने को मिल सकता है, यानी पेनफुल इंटरकोर्स आपको देखने को मिल सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी करने के टाइम में आपको पेन हो सकता है। दूसरा जो है आपको इररेगुलर मेंसेज हो सकता है, यानी मेंसुरल पीरियड से पहले आपको मेंसुरल ब्लीडिंग हो सकती है, साथ ही साथ आपको सर्विसाइटिस हो सकता है और आपको वेजिनाइटिस देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इसके साथ में ही आपको जो है फीवर देखने को मिल जाता है, कई बार फीवर के साथ चिल्स देखने को मिल जाता है, कई बार आपको फेरेंजाइटिस देखने को मिल जाता है, कई बार आपके कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको गोनोरियल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर आप इसकी संभावना पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स देख के आपको गोनोरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट कर लेता है। इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं लेकिन नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके सिम्टम के बेस पे ही दिया जाता है। अब दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। जब भी आप किसी इन्फेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर से सेक्स करते हैं उसके 2 से 7 दिन के अंदर, 2 दिन से 7 दिन के अंदर आपके जो सिम्टम्स हैं वो आप में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये डिजीज़ क्या कंटिन्यू रहती है, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों जो गोनोरियल इन्फेक्शन है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो आते जाते रहते हैं अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, इसका बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है अगर आप करें तो, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इसके सिम्टम्स कंटिन्यू रह सकते हैं, क्रॉनिक गोनोरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसके साथ ही आपको क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो सकता है,
क्रॉनिक यूरेथराइटिस हो सकता है, फिर आपके पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, और आपके यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज भी आपने को देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स आप में क्रोनिक कन्वर्ट हो जाता है, कुछ टाइम आप में होते हैं, फिर सप्रेस हो जाता है, फिर वापस आता है, तो ये आपके चलते रहता है जब तक कि आप इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट जिसके जरिए आप गोनोरियल इन्फेक्शन को जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंगल डोज एंटीबायोटिक लेना होता है। सबसे जो फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट है वो है आपके सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन जो आता है, मोनोसेप नाम से आ जाएगा, एक्यूजोन नाम से आ जाएगा। तो सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन जो है उसका 500 mg का आपको आईएम लगाना है। इसकी कंडीशन यही है कि आपको आईएम लगाना है गोनोरियल इन्फेक्शन में, 500 mg सेफ्ट्राइक्सोन को आपको आईएम लगाना है। इसके साथ में आपको एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम की सिंगल डोज लेनी है, 1 टैबलेट आपको लेनी है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है सिंगल डोज मेडिकेशन का। अब दोस्तों अगर किसी को सेफ्ट्राइक्सोन से एलर्जी है, एलर्जिक टू सेफ्ट्राइक्सोन या मोनोसेप या एक्यूजोन जो इसमें सेफ्ट्राइक्सोन कंटेंट आता है, ऐसे इंजेक्शन से किसी से इसको एलर्जी है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। अगर सेफ्ट्राइक्सोन से आपको एलर्जी है तो आप जो है जेंटामाइसिन 240 mg का आईएम सिंगल डोज ले सकते हैं, इसके साथ में ही एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम सिंगल डोज ले सकते हैं। आपको ये हैवी एंटीबायोटिक एक साथ लेने से कई बार छोटे मोटे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैशेज वगैरह, फीवर, चिल्स वगैरह, ये आपको जो है एडवर्स इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्ट्राइक्सोन से एलर्जिक हैं तो फिर आपको जो है वो जेंटामाइसिन 240 mg आईएम डोज, इसके साथ में जो है आपके एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम का सिंगल डोज आपको लेना होता है। अब दोस्तों इसका एक और अल्टरनेटिव है जो आप ले सकते हैं, जिसमें आप सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो 500 mg आईएम डोज ले सकते हैं, इसके साथ में ही डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का बीडी में 7 दिन तक यानी 14 टैबलेट 100 mg की आप ले सकते हैं सुबह शाम करके। तो दोस्तों ये थे इसके ट्रीटमेंट, सिंगल डोज एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप जो बहुत ही इफेक्टिव इसमें होता है। लेकिन अगर किसी को सेफ्ट्राइक्सोन से एलर्जी है तो फिर आपको जो है एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं साथ में, और साथ में आपके इंजेक्टेबल में जेंटामाइसिन 240 mg का जो है सिंगल डोज ले सकते हैं अगर आप सेफ्ट्राइक्सोन से एलर्जिक हैं तो। साथ ही साथ मल्टीपल डोज में आपको सेफ्ट्राइक्सोन 500 mg आईएम के साथ में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का बीडी में यानी सुबह शाम एक एक गोली ऐसा करके 14 टैबलेट आप ले सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली 90 से 95% गोनोरियल इन्फेक्शन जो होते हैं ये मेडिकेशन से दूर हो जाते हैं। अगर आप में वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, कंडीशन कोई भी हो, ट्रीटमेंट यही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको गोनोरियल इन्फेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। यह डिजीज एसटीडी की कैटेगरी में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। उसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे फैलती हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इसके ट्रीटमेंट क्या। अब दोस्तों आपको इस गोनोरियल इन्फेक्शन के लिए 2 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप माइंड में रखेंगे तो आपको इसमें ये बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आपको रिसेंट में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में HIV हुआ है या फिर आपके एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपके ये सिम्टम्स जो है गोनोरियल इन्फेक्शन के भी साथ में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डिटेक्ट हो गया है या आपको संभावना है कि आपको गोनोरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद में आप जो है अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी तब तक के लिए रोक दीजिए तब तक के लिए आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से पूरा नहीं हो या फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गोनोरियल इन्फेक्शन जो STD या STI की कैटेगरी में आता है उसके बारे में आज हमने बात की, उसकी कंडीशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कैसे फैलते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसके ट्रीटमेंट कैसा लेना होता है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो में बताई। अब दोस्तों हम इसका एक दूसरा पार्ट या दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें नॉन गोनोरियल यूरेथ्राइटिस, नॉन गोनोरियल इन्फेक्शन, नॉन गोनोरियल वेजिनाइटिस के सिम्टम्स है, अगर आप में कैंडिडियासिस है, वेजिनल कैंडिडियासिस है, या फिर अगर आप में जो है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस का इन्फेक्शन है, इस कंडीशन के लिए भी एक मेडिसिन आती है जिसको यूज करना बहुत ही आसान होता है,
एक सिंगल डोज मेडिकेशन जो आती है कॉम्बी किट के रूप में आती है, उसके बारे में हम अगले जो वीडियो है उसके बारे में हम उसमें बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा। इसका अगला पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और उसको ऑल पे सेट कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सपा खैर, राम राम।